है इतना सारा मछली लेकर के आए हैं। देखिए ये मछली को देखिए कितना बड़ा मछली है, और वो भी ताजा मछली है। देखिए हिल रहा है। देखिए ये भी तो इस तरह से मछली का जो चोया सब है उस सबको निकाल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आनंद शांति ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? आइयो सब अच्छे होंगे, हम लोग तो ठीक हैं। और देखिए दोस्तों, अभी शाम के 4 बज रहे हैं और देख सकते हैं अभी हम दोनों आए हैं कुआं के पास। देखिए ये है, कुआं के पास आए हैं, देख सकते हैं दोस्तों ये है मछली। मछली धोने के लिए अभी हम दोनों आए हैं कुआं में, देखिए दोस्तों। और सुबह में हम लोग कुआं इसी कुआं से ही हम लोग मछली पकड़े थे, देख सकते हैं ये। और कुआं का पानी बहुत कम जमा हुआ है, देखिए बहुत कम जमा हुआ है दोस्तों। और उसी पानी को अभी हम दोनों निकालेंगे और उसी पानी से अभी हम दोनों धोएंगे। अभी एकदम पूरा पानी भी कद्दो कद्दो टाइप के है, कद्दो है साफ पानी। इधर से इधर से देखिए मेरा भाई निकाल रहा है, एकदम सबसे नीचे में है, नीचे एकदम थोड़ा ही सा पानी है जमा हुआ है। तो दोस्तों अभी हम दोनों निकाल लेंगे, इसी पानी से हम दोनों मछली को धोएंगे और धोए करके हम दोनों घर ले चलेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोग इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि किसी तरह का वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो दोस्तों देखिए अभी हम कुआं में ही हम बैठे हुए हैं। देखिए मेरा भाई इधर से पानी निकाल रहा है, देखिए थोड़ा ही साफ हुआ है, एकदम पूरा कद्दो कद्दो टाइप के पानी भी है। कद्दो पानी से ही अभी हम दोनों धोएंगे, कहीं भी अभी पानी नहीं है। हम लोग खाना बनाने के लिए, खाने पीने के लिए तो हम लोग कल में ही सारा बर्तन में हम भर दिए थे, और आज रात भर चलाए थे, सुबह ख़त्म हो गया था। और आज दिन में मतलब दिन में पूरा अच्छी तरह से साफ हो गया था कुआं दोस्तों, अच्छे से साफ कर दिए दिन में। और उसके बाद में जितना मछली था हम लोग सारा मछली पकड़ लिए। और जितना कोई यहाँ इस कुआं में काम किए थे, जैसे कि मट्टी सब फेंकना था, मट्टी सब फेंके, साफ़ सफाई कुआं को साफ़ सफाई किए थे, जितने आदमी थे उतना ही आदमी हम लोग बाँट लिए। और बाँटने के बाद में अभी फिर से हम दोनों आए हुए हैं दोस्तों कुआं में ही मछली धोने के लिए, क्योंकि घर में पानी कम है इसीलिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी देर ना करते हुए हम दोनों मछली को धो लेते हैं। इतना सारा मछली लेकर के आए हैं, देखिए देखिए दोस्तों ये है, देखिए ये मछली को देखिए कितना बड़ा मछली है, और वो भी ताज़ा मछली है। देखिए ये हिल रहा है। देखिए ये भी देखिए दोस्तों कितना ताज़ा मछली है। इसको धोने के लिए अभी हम आए हुए हैं कुआं में, और यहीं पर हम धोएंगे दोस्तों। घर में बहुत ज़्यादा मतलब पानी खर्चा हो जाता है, इसीलिए हम आए हुए हैं कुआं में ही धोने के लिए। और देखिए ये चाकू लाए हैं, चाकू से इस तरह से करेंगे, काटेंगे। और देखिए इस तरह से ये बड़ा मछली है, इसका चोया निकल रहा है। देखो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मछली का जो चोया सब है उस सबको निकाल लेंगे और अच्छे से हम साफ कर लेंगे दोस्तों। अजमा देखो ये वाला से लग गया। देखिए दोस्तों इतना, और इसी सूप लेकर के आए, सूप में इस तरह से रगड़ेंगे, इसका जो चोया है मछली का ये सब निकल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम इस सबको अच्छे से साफ कर लेते हैं, आप लोग बने रहिए वीडियो में। ये इतना बड़ा मछली है, देखिए इसका चोया हम निकालिए, और ये सब को देखिए चाकू से ही हम काटेंगे, क्योंकि हम लोग बैटी का इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग जो भी काटते हैं सब्जी वगैरह, हम लोग चाकू से ही काटते हैं दोस्तों। देखिए चाकू से ही हम काट रहे हैं इसको इस तरह से। हम इधर ना मछली बना रहे हैं, और देखिए इधर इतना मान चिड़िया है ना, यहाँ पर इतना चिड़िया आ गया तो बहुत सारा सोच रहे होंगे कि हम क्या करें। देखिए इधर किनारे किनारे जो पेड़ में है, सब पेड़ में अभी बैठे हुए हैं, नीचे में इधर खेत में था तो सब उठ करके पेड़ में चल गए हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोग धोते धोते ना मछली धोते धोते देख सकते हैं पूरा शाम हो गया है,
और अंधेरा हो गया है, अभी हम लोग टॉर्च करके धो रहे हैं। देखिए अभी जाके हम साफ पानी से इसको हम धो रहे हैं दोस्तों। मछली बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हम लोगों का ना, धोते धोते ना देखिए अंधेरा हो गया है, अभी हम लोग टॉर्च करके वीडियो शूट कर रहे हैं। और अभी हम लोग कुआं ही के पास में ही है। देखिए दोस्तों ये है, इतना सारा मछली धो लिए हैं। बाप रे बाप, धोते धोते हालत खराब हो गया। मछली ना खाने में इतना मजा लगता है ना, लगता है कि और खाएंगे और खाएंगे, लेकिन धोने में ना इतना अनस बढ़ता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी में धोना पड़ रहा है, खाना तो हम ही को है। और मम्मी, पहले मम्मी खाती थी तो मम्मी धोती थी, अभी कोई नहीं खाते हैं घर में, बस हम अकेले खाते हैं, तो धोना तो हम ही को ही पड़ेगा। से अभी हम दोनों जा रहे हैं दोस्तों। देखिए कितना रात हो गया, बहुत ज़्यादा रात हो गया दोस्तों, लमसम 7 बज गया अभी रात के, तो रात के 7 बजे जाके अभी हम दोनों का कंप्लीट हुआ है धोके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देखिए ये बाल्टी में थोड़ा सा पानी लेके जा रहे हैं धोने के लिए। तो अभी हम तो देखिए दोस्तों ये है मछली को अच्छे से धो करके हम लोग घर में आ गए हैं। और देखिए दोस्तों ये है, यह है लहसुन और सरसों पीस के रखे हैं, मसाला पीस के रखे हैं दोस्तों। और इधर नमक और ये है हल्दी। तो चलिए दोस्तों इसको हम इसमें मिक्स करेंगे, हल्दी और ये है स्वाद के अनुसार नमक। देखिए मसाला के साथ में अच्छे से हम मिक्स कर दिए हैं दोस्तों, देख सकते हैं। और चलिए दोस्तों अब तलने के लिए जाते हैं, इसको तलेंगे तेल में, फ्राई करेंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पर मछली फ्राई करने के लिए, देखिए दोस्तों ये है ताई को हम चढ़ा दिए हैं गरम होने के लिए, और गरम भी हो गया है। अब तलना शुरू करते हैं। चलो तो तल दे दो, चढ़ाते तो देखिए दोस्तों ये है पूरा ताई में हम डाल दिए हैं, और बाकी देखिए ये है बचा है ये दूसरा भर में। तो चलिए दोस्तों हम फ्राई होने देते हैं मछली को। देखिए दोस्तों ये है मछली को दोनों साइड से हम उलट पलट कर दे रहे हैं दोस्तों। देखिए दोनों साइड से हम पकने दे रहे हैं, कितना मस्त पक रहा है। ये है मछली, देखिए कितना मस्त फ्राई करती है। और देखिए ये है पत्ता का हम बनाए हैं रखने के लिए दोस्तों, देखिए इस तरह से इसमें हम रखते जा रहे हैं। देखिए निकाल निकाल, देसी मछली, गांव के देसी मछली। चलिए दोस्तों इसी तरह से देखिए ये है और बचे हुए हैं, इसको भी हम तल लेते हैं दोस्तों। इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे, देखिए कितना मस्त बना है। तो हेलो दोस्तों, देख सकते हैं ये हमारा मछली फ्राई करके तैयार हो गया देखिए। और इसको ना हम ऐसे ही खा रहे हैं, हम जोर नहीं बना रहे हैं। और देखिए हम खाना भी शुरू कर दिए हैं खाने के लिए, देख सकते हैं ये। और जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं आप लोग भी खा लीजिए इसी में से। देखिए इसमें हम रखे हैं कटोरी में, तो हम जितना खाएंगे उतना हम निकाल लिए हैं। देखिए ये है पत्ता में, तो चलिए दोस्तों हम खा लेते हैं। देखिए दोस्तों मछली कैसे खा रहा है।